हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कुरैशी वहां पे खिताब कर रहे हैं, जेड़ा पाकिस्तान दा अनाज पैदा करेंदा है, ए खुशहाली दा एक नवा नमूना होंदा। मेरे भराओ, ए ओ इलाका है जेड़ा महरूमी दे बावजूद, सुनो तासो आलो तुहाडी गल थींदी पई है, सुनो अपनी गाल सुनो, तुहाडे हकूक दी गाल करदा पिया। ए ओ इलाका है नौजवानों, तासा दे नौजवानों, मैं तुहाडे नाल मुखातिब हां, मैं चैलेंज करके अज चैलेंज करके आदा कि तासा पंजाब दी ओ तहसील है जेड़ी खानदगी विच सब तो अगू है, महरूमियां दे बावजूद, ना इंसाफी दे बावजूद, मैं चैलेंज करके आदा तौसे दा पुत्र ते तौसे दी बेटी पंजाब दे कई तरक्की याफ्ता इलाके दे बच्चे दा मुकाबला करन दी सलाहियत रखे दिए। ए ज़हीन लोग हैं, ज़हानत दी कमी नहीं, दयानत दी कमी नहीं, शौर दी कमी नहीं, और आदेन के जितना इलाका महरूम होवे, जितनी भुख होवे, उतनी सियासी बेदारी होंदी है नहीं होंदी। तौसा डेरा गाजी खान जिले दी तहसील है जेड़ी न सिर्फ खानदगी दे लिहाज नाल पंजाब दी चोटी दी तहसील है। मैं दावे नाल आदा अगर मेरे तौसा दे बच्चियां को उन्हां दा हक मिले तो ओ अज पंजाब दे सीएसपी होवन, पुलिस दे अफसर होवन, हर सरकारी मुलाजम होवन। लेकिन लेकिन जिवें वाफर पानी होवन दे बावजूद सीआरबीसी दा पानी तौसा दी टेल तक नहीं अपड़दा, इवें फंड होवन दे बावजूद लाहौर दा फंड तौसा तक नहीं अपड़दा। सही आदा गलत आदा जेड़े मेरी ताईद करें दे हाथ खड़ा करो, क्या मैं तुहाडे आवाज और तुहाडे दिल दी तर्जमानी करदा पिया। तवल खान साहब, अल्लाह तुहाकू ई मुल्क दा वजीर आजम बनावे और अल्लाह तारीख इंसाफ को मरकज विच इतनी अक्सरियत देवे कि तुसा वड्डे वड्डे फैसले कर सको, मुल्क दी तकदीर बदलन दे, गुरबत मिटावन दे, ना इंसाफी मिटावन दे, महरूमी दूर करन दे फैसले करन दी अल्लाह तौकू ताकत अता फरमावे। लेकिन तौसा दे पुत्र बेटो और बेटियों, मैं तुहाडे वकील दे तौर ते खान और तरीके इंसाफ दी मरकजी कयादत दी खिदमत विच इलाके दा महरूम मजलूम महकूम इलाके दा मुकदमा अपने चेयरमैन को पेश करेना और पुछदा क्या तुसे मेरी आवाज दी ताईद करेंदे हो, क्या क्या सुन तो गिनो, क्या ए इलाका तख्त लाहौर तू आजादी चाहता है, क्या वक्त आ गया है कि जनूबी पंजाब को उनका हक
शाह महमूद कुरैशी इस वक्त तौसा शरीफ में खिताब कर रहे हैं, उनका खिताब जारी है। अब से कुछ देर में इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इसी तकरीब में खिताब करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रहीम यार खान में तालीमी एमरजेंसी का पोल खुल गया। सर्द मौसम में बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे तौंसा के नौजवानों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मुझे अंदाजा नहीं था कि तौंसा में इतने ज्यादा लोग बसते हैं। और सिर्फ इतने ज्यादा आवाम जलसे में आई नहीं, एक आवाम जो शऊर रखती है, जो पाकिस्तान के मसले समझती है। जब तकरीरें हो रही थी, शिराज बैठ जाओ बैठ जाओ, जब तकरीरें हो रही थी तो मैं देख रहा था कि हर इशू की मेरे नौजवानों को समझ थी। ये अल्लाह का खास करम है हमारी कौम पे कि आज एक जागी हुई कौम है, वो कौम है जो समझती है कि उनके हकूक क्या हैं, पाकिस्तान के मसले समझती है। और इसलिए मैं आज आपको, आपके शऊर को खराज तहसीन पेश करता हूं। करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह। अच्छा, यहां आपने बड़े गौर से बात सुननी है, शोर नहीं मचाना, क्योंकि आपके लिए आया हूं यहां मैं, आपके लिए आया हूं। देखें, अब सुने मेरी बात। दो किस्म के दुनिया में निजाम है, एक इंसानों का और एक जानवरों का। ये मैं नौजवानों आप सबके लिए ये बात कर रहा हूं, गौर से समझें। अल्लाह ने लाख से ऊपर इस दुनिया में अपने पैगंबर भेजे। सारे जो अल्लाह के पैगंबर थे उनका सिर्फ एक मकसद था दुनिया में आने का, अल्लाह का पैगाम लाने का। नौजवानों, वो क्या मकसद था, वो क्या पैगाम लेके आए थे? वो हमें जानवरों के माशरे से मुख्तलिफ बनाने आए थे। तौंसा के नौजवानों, याद रखो, जानवर भी इस दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है। इंसान सिर्फ इंसान तब बनता है जब उसमें इंसानियत होती है और इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, नहीं तो जानवरों के माशरे में दो ही तो चीजें मुख्तलिफ हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो कमजोर पर जुल्म करता है, जो जानवरों में कमजोर जानवर होता है वो भूखा मर जाता है। इंसानों का माशरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाया, जो जानवरों के माशरे से मुख्तलिफ था, और उन्होंने मिसाल बनाई आने वाली दुनिया के लिए कि इंसानों का माशरा क्या होता है। उस माशरे में सबसे पहले इंसाफ था, कानून के सामने सब एक बराबर थे, कमजोर और ताकतवर कानून की नजर में मुख्तलिफ नहीं थे। अगर
एक ताकतवर को अदालत सजा देती थी तो मदीना की रियासत में वो ये नहीं कहते थे मुझे क्यों निकाला। क्योंकि इंसानों का माशरा था, और दूसरी उस माशरे में इंसान की कदर थी। पहली दफा दुनिया की तारीख में रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की, बेवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, यतीमों के लिए। पहली दफा दुनिया में एक ऐसी रियासत बनी जिसने रियासत ने अपनी बेवा, यतीमों, कमजोर, गरीबों की जिम्मेदारी ली। और आप जानते हैं कि मदीना की रियासत में पहली दफा इंसान की तारीख में अपने बूढ़ों की जिम्मेदारी ली। मदीना की रियासत में पहली दफा पेंशन्स दी गई बूढ़ों को। और वो माशरा दुनिया का अजीम माशरा बना, अजीम कौम बनी, दुनिया के लीडर बने, दुनिया की इमामत की। दुनिया उनको, उनके निजाम को देख के कहती थी कि ये देखो इंसानी माशरा है। दुनिया उनके कैरेक्टर को देख के मुसलमान हो गई। ये गलत कहते हैं कि तलवार के जोर पे लोग मुसलमान हुए। लोगों ने जब एक माशरे में महजब देखा, इंसानियत देखी, इंसाफ देखा, लोग उस माशरे को कॉपी करते थे, वो बनना चाहते थे। तो आज नौजवानों, अभी नहीं सुनो सुनो, और नवाज चला गया है, गो नवाज कहते हैं, गो नवाज, नवाज चला गया है, वो वापस नहीं आने लगा। और अभी तो हुदैबा पेपर मिल खुल गई है, अभी किसकी बारी है? शहबाज शरीफ नहीं, शोभा शरीफ। आजकल आपने देखे वो कपड़े कैसे पहनता है, टोपी देखी है उसकी, टोपियां, हैट। अच्छा तो सुने आप, अब आप मेरे से पूछेंगे कि इमरान खान, अभी शिराज ने इतनी जबरदस्त लंबी लिस्ट पढ़ी कि क्या क्या जरूरत है तौंसा को। देखें, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं कि हमारे में और बाकियों में क्या फर्क होगा। हमने पाकिस्तान को वो माशरा नहीं बनाना जो अभी बना हुआ है। ये पाकिस्तान का जो माशरा, ये इंसानों के लिए नहीं है। यहां अकलमंद जानवर हैं, जानवर ऐसी हरकतें करते हैं जो इस वक्त। और क्या फर्क है, आपको मैं पंजाब की मिसाल देता हूं। तकरीबन 60% पंजाब का पैसा डेवलपमेंट फंड लाहौर पे खर्च होता है। सोचें कि तकरीबन 12 करोड़ का पंजाब है और इसका 60% तकरीबन जो डेवलपमेंट फंड है वो लाहौर पे खर्च होता है, तो बाकी इलाकों में क्या हो रहा है? वो हो रहा है जो अगर आप टीवी के ऊपर वो जो जानवरों की फिल्में आती हैं, नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, उसमें आप देखते होंगे कि शेर एक जानवर को मारते हैं, पहले बब्बर शेर सबसे पहले वो खाता है, उसके बाद शेरनियां खाती हैं, फिर वो बच्चे खाते हैं, और आप देखते होंगे कि जो सबसे कमजोर बच्चा है वो बेचारा, उसको मिलता कुछ नहीं, वो भूखा मर जाता है। अभी हमारा वो नारा, अभी हमारा वो माशरा है। लाहौर क्योंकि वो कैपिटल है, सेंटर है, उधर शरीफ खानदान का तख्त है, सबसे ज्यादा पैसा उधर। जितने उधर से दूर आते जाओ, जनूबी पंजाब आते जाओ, यहां कम पैसा खर्च होता है। यहां के लोग पीछे रह गए हैं, उधर के लोग थोड़े आगे, इस्लामाबाद के लोग आगे चले गए हैं। हमने क्या करना है? तहरीक-ए-इंसाफ ने, मैं आज आपको अपनी पॉलिसी बता रहा हूं,
या हमारे जो 10 करोड़ गरीब लोग हैं गुर्बत से नीचे, हमने उनको ऊपर लेके आना है, तो ऊपर कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले जो कमजोर और गरीब इलाके हैं उनको हमने ऊपर उठाना है, उनको ऊपर उठाएंगे। अब सुने जरा, ये सुने नौजवानों आपके लिए, दुनिया की तारीख में ये मैं बार बार आपको समझाता हूं, ये याद रखे, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक मुल्क ने, चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से पिछले 30 साल में निकाला है, कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कैसे किया? उन्होंने सबसे पहले अपने कमजोर तबके को उठाया, छोटे किसानों को उठाया, उन्होंने किसानों को उनकी मदद की कि उनके पास बीज डेवलप करके दिए, उनको मार्केट की, उन्हें सस्ता पानी दिया, उनको सस्ती खादें दी। तो जब छोटा किसान उठा तो देहात के अंदर गुर्बत कम हुई। तहरीक इंसाफ, किसानों सुन लो, हम आके इस मुल्क के किसानों की इसलिए मदद करेंगे कि 70% हमारे लोग देहात में रहते हैं और सबसे ज्यादा गुर्बत देहात में है। देहात में रोजगार नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं आपको मिलती, सारे लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं। शहरों का ये हाल है, आज लाहौर का शहर का हाल देखें कि वहां 10 फुट दूर नजर नहीं आ रहे लोग, आलूदगी इतनी हो गई है, इतनी आबादी हो गई है, गंदा पानी है, 60% लाहौर के लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता, अस्पतालों का बुरा हाल है क्योंकि सारा पैसा उधर लगा दिया और यहां से देहातों से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। हमने देहातों के ऊपर पैसा खर्च करना है, हम आपके इस इलाकों में पैसा खर्च करेंगे, हम यहां आपके लिए स्कूल अच्छे बनाएंगे, हम आपके लिए रोजगार, हम आपके लिए रोजगार देने का, हम रोजगार देने के लिए आपको देहात के अंदर मौके देंगे। अब मैं आपको बताऊं, ख्वाजा साहब ने कहा कि जी नमल यूनिवर्सिटी में, नमल यूनिवर्सिटी में 2 स्कॉलरशिप्स दें तौंसा के लोगों को, तौंसा के लोगों को नमल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं देंगे, इंशाल्लाह तौंसा में नमल यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज बनाएंगे। और उससे क्या फायदा हुआ, यहां मुझे पता है कि आपकी माशाल्लाह ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। मैं अब आपको समझाऊं कि नमल यूनिवर्सिटी ने क्या 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 फायदा होता है। जब आप एक तालीम का इदारा ऐसा बनाते हैं जो लोगों को स्किल एजुकेशन देता है, हुनर सिखाता है, उससे क्या होता है, आज इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगा नमल यूनिवर्सिटी में, वहां डिग्रीज दूंगा। ये जरा सुने, नमल यूनिवर्सिटी में 95% जो स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप पे मुफ्त पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी डिग्रीज ली, बर्मिंघम नहीं ख्वाजा साहब, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की अभी डिग्रीज ली। आप ये सुने, अभी डिग्री मिली है उनको, 91% स्टूडेंट्स को अभी से नौकरियां मिल गई हैं, 91% नौजवानों को अभी यूनिवर्सिटी में डिग्री कल मिलेगी, नौकरियां अभी से मिल गई हैं। और नौकरियां कैसी मिली हैं, गरीब घरानों के बच्चे हैं, उनके जो बाप मजदूरी करके सारा साल मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, वो बच्चे निकलते साथ ही 1 महीने में उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। ये होता तालीम का फायदा। आपको जो तालीम मिल रही है अब तक, वो आपको काबिल नहीं करती नौकरियां लेने के लिए। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से गुर्बत है। तो हमने जब गुर्बत का, इस मुल्क में गुर्बत के खिलाफ जिहाद लड़नी है तो सबसे पहले रोजगार नौजवानों को दिलवाना है, और रोजगार के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं।
नौजवानों को हम कर्जे दे सकते हैं ताकि वो अपनी बिजनेस सेटअप करें, छोटे किसानों को यह मदद कर सकते हैं। नमल यूनिवर्सिटी में पहली दफा एक डिग्री मिल रही है जिसको कहते हैं एग्री बिजनेस, कि बच्चों को नौजवानों को सिखाएंगे कि किसान अपने पैदावार को वो बिजनेस में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। वहां हम डिग्री शुरू कर रहे हैं और हम सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह वक्त अल्लाह ने मौका देगा, हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी अपने नौजवानों को नौकरियां दिलवानी देहातों के अंदर ताकि वो शहरों में ना जाएं, इधर आपको नौकरियां मिले। एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर के साथ किस तरह की बिजनेस। एक और काम करेंगे, जोनिंग करेंगे सारे पाकिस्तान की कि किस इलाके में कौन सी पैदावार, कौन सी फसल लगाएं जिससे आप सबसे ज्यादा आपको पैसा मिल सकता है। ये कभी पाकिस्तान में नहीं, ये भी करेंगे। बीज डेवलप करके देंगे आपको, आपको बीज डेवलप करके देंगे, जिस तरह हिंदुस्तान अपने किसानों को बीज, नए नए बीज डेवलप करके देता हूं। पाकिस्तानियों से कई जगह दुगनी है, वही जमीन है, वही मौसम है, दुगनी पैदावार है हिंदुस्तान में। और हम ये भी सुन लो, हम जो पाकिस्तान के अंदर चीज करेंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई, कि जो हमारा टैक्स का निजाम है, ये समझ आओ नौजवानों, ये समझ आओ, जो टैक्स का निजाम है आज पाकिस्तान में, वो सारा टैक्स 90% टैक्स अवाम से इकट्ठा किया जाता है चीजें महंगी करके। जो चीज आपने टेलीफोन जो आपने बत्तियां जलाई हुई हैं, आपको पता है 100 रुपए में से 35% टैक्स कटता है, हर चीज पे 17% GST काटता है, डीजल पे पेट्रोल पे टैक्स लगता है। और डीजल की कीमत 5 रुपए और बढ़ा दी है। तो ये क्यों अवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाता है? क्योंकि पैसे वाले लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। हमारी जो FBR है, जो टैक्स इकट्ठा करती है, वो मिल जाती है ताकतवर लोगों के साथ, वो टैक्स नहीं देते। वो टैक्स इसलिए नहीं देते कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर पैसा भेज देते हैं। पाकिस्तान से चोरी करके पैसा बाहर भेजने को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। यानी यहां से पैसा चोरी किया, क्योंकि चोरी ज्यादा पैसा है, छोटा चोर तो 1,000,00,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 1,00,00,000 रुपया कर लेगा। ये जो बड़े डाकू हैं, ये अरबों रुपया चोरी करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं। तो जब वो ताकतवर लोग अपना पैसा बाहर भेजते हैं, उससे दो नुकसान होते हैं। एक, डॉलर की कमी हो जाती है, क्योंकि डॉलर लेके बाहर भेजते हैं। जब डॉलर की कमी होती है, कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से। जब कर्जे लेने पड़ते हैं और कर्जे जब लेते हैं, जो आज तक तारीखी कर्जा लिया हुआ है इसहाक डार और नवाज शरीफ ने, इस कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए आप पे टैक्स मजीद लगते हैं, चीजें और महंगी हो जाती हैं। एक ये नुकसान, और दूसरा नुकसान ये होता है कि वो जो पैसा पाकिस्तान में खर्च होना होता है, वो पाकिस्तान के बाहर खर्च होता है। जिस पैसे से पाकिस्तान में नौकरियां होनी होती हैं, वो बाहर जाके दुबई में नौकरियां मिलती हैं, लंदन में नौकरियां मिलती हैं, यूरोप में जो मिलती हैं, क्योंकि जब इस मुल्क से 1,000 अरब रुपया हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर जाएगा, तो पैसा तो बाहर खर्च होगा, वो नौकरियां तो यहां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वही पैसा 1,000 अरब रुपया पाकिस्तान में खर्च हो तो यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, सरमायाकारी होगी, जमीनों पे पैसे, किसानों के ऊपर पैसे खर्च होंगे, नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी। लिहाजा आपकी इंशाल्लाह वो जमात होगी, पहली पाकिस्तान की जमात, जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों से टैक्स खाएगी ताकि अवाम के ऊपर हम बोझ ना डालें, महंगाई ना करें। और दूसरा,
ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के करप्ट लोग नवाज शरीफ की तरह, आसिफ जरदारी की तरह, इसहाक डार की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, जो इस मुल्क में आए, इक्तदार में आए, पैसा चोरी करके बाहर ले गए, इनको जब तक हम इनको पकड़ के जेलों में नहीं डालेंगे, इनका पैसा वापस नहीं लेके आएंगे, इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, तब चाइना चाइना आप सुने जरा, सबसे तेजी से दुनिया में मुल्क जो तरक्की कर रहा है वो चाइना है। चाइना ने पिछले 3 साल 300 वजीरों को पकड़ के जेलों में डाला करप्शन पे, 300 वजीरों को। दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। और आप जानते हैं कितने सरकारी नौकरों को उन्होंने पकड़ा है करप्शन में? 11 लाख। तो ऐसे ही नहीं कोई मुल्क तरक्की करता जब तक मुल्क अपने कौम का पैसा जो चोरी हो रहा है, वो चोरी नहीं रोकता, वो कैसे तरक्की कर सकता है? आपका जब आपके घर में चोरी होती है, आपका घर कंगाल हो जाता है, मकरूज हो जाता है, वो तो एक घर को फर्क पड़ता है। लेकिन जब करप्शन होती है, इक्तदार में आके कौम का पैसा चोरी होता है, कौम का जब पैसा चोरी होता है, कौम गरीब हो जाती है, मकरूज हो जाती है। अच्छा अब तौंसा के लोगों सुनो, दो वादे आप से दो वादे कर रहे हैं। एक के आगे से तौंसा के लोग और पाकिस्तान के लोग जो सुन रहे हो, कभी आपने किसी पार्टी को वोट नहीं देनी जिसके लीडर का पैसा जीना मरना पाकिस्तान में ना हो, उसको आपने कभी वोट नहीं देनी। ये आज हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि आपने कभी कभी जो पार्टी का लीडर उसका पैसा जायदाद जीना मरना जब तक पाकिस्तान में ना हो उसको ना वोट देना। नहीं तो यही होगा कि इस मुल्क के हुक्मरानी यहां कर रहे हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, ईदें बाहर हैं, प्रॉपर्टी बाहर हैं, महलात बाहर हैं, छुट्टियां बाहर कर रहे हैं, इलाज बाहर है, खांसी होती हो तो बाहर चले जाते हैं। और दूसरा वादा, अब ये सुने, हर मुहज्जब माशरे में जब कोई कौम का पैसा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वो मुहज्जब माशरा उनका सोशल बॉयकॉट करता है। सोशल बॉयकॉट का मतलब ना उसके लोग उन करप्ट लोगों से हाथ मिलाते हैं, ना उनके घर दावत पे जाते हैं और ना उनको अपनी दावत पे बुलाते हैं, ना उनके खानदान में शादियां करते हैं, शादियां भी नहीं करते, बेशक रिश्तेदार हो आपके और बड़े से बड़ा ओहदे पे बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर हो, उस मुल्क के लोग उससे हाथ नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि वो गरीबों का पैसा चोरी करता है, वो लोगों के जो तालीम पे, अस्पतालों पे, रोजगार देने पे पैसा खर्च होना चाहिए, साफ पीने पे, यहां तौंसा जैसी जगह पे पानी देने के लिए, वो पैसे को जब जो चोरी करता है उससे बड़ा कौम का दुश्मन कौन हो सकता है? इसलिए हाथ खड़ा करके बताओ, आप कभी आगे से ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुझे इतना अफसोस होता है, इस्लामाबाद में कई मैं खानों पे जाता था,
और वहां मैं देखता था सारे लोग बातें कर रहे हैं जी फलाने वजीर ने इतना डाका मारा, इतनी करप्शन की, फलाने वजीर ने इतनी करप्शन की। वही वजीर थोड़ी देर के बाद खाने पे आता था और वही लोग बेशर्मी से झुक झुक के हाथ मिलाते थे उसी वजीर से। तौंसा के लोगों फिर से हाथ उठा के बताओ कि आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। और आखिर में मैं आज शायद खाकान अब्बासी आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आप फौरी तौर पे इलेक्शन का अनाउंस करें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत नाम की चीज नहीं है। हुकूमत उसके वजीर जिनका काम अवाम के पैसे की हिफाजत करना है, हुकूमत के वजीर आज एक कौम का सबसे बड़ा मुजरिम जिसने 300 अरब रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गया है, उस मुजरिम को 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल देते हैं, उसको पंजाब हाउस में ठहराते हैं जो अवाम के टैक्स के पैसे पे चल रहा है, और वजीर आजम जो खाकान अब्बासी किस तरह आप एक कौम के मुजरिम को अपना वजीर आजम मानते हैं। कोई आप में अच्छे बुरे की तमीज नहीं, किधर गई आपकी खलाकियात। और जब आप एक कौम के मुजरिम को इस तरह कहते हैं कि जी अभी भी मेरा लीडर है शायद खाकान अब्बासी, इससे तो दो चीजें सामने नजर आती हैं, या तो आपके अंदर इखलाकियत मर गई है और या फिर उसी की तरह आप भी करप्ट हो। ना यहां फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, इंग्लैंड चला गया है इलाज करवाने के लिए। मुझे तो उसको बिस्तर पे देख के बड़ा दिल मेरा खराब हुआ, एकदम ही लगा बड़ी तेजी से हालत खराब हुई है। तो जब वो उधर बैठा है, वो इधर है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की मेशत शरीफ में इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इस वक्त खिताब कर रहे हैं और उनका कहना था अभी तो हुदैबिया पेपर केस भी खुल गया है, अब शोबाज शरीफ की बारी है, अब आप उन्हें